कांग्रेस की भी बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहाद का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के अंदर किया और यह कहा कि 90 की 90 सीटों पर अलायंस मुकम्मल कर दिया गया है। तहम इतलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच अलायंस मुकम्मल तौर पर अभी नहीं हुआ है और अभी भी सीट शेयरिंग के मामले पर इंतहाई अहम और हसास सवालात सामने आ रहे हैं। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का भी सवाल सामने आ रहा है और दीगर मामलात भी सामने आ रहे हैं। ताहम रात देर गए तक कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन उस इजलास के अंदर जो नई दिल्ली अंदर कल हुआ, रात देर गए तक इजलास चला, उस इजलास के अंदर किसी को अनाउंस नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के लिए। उसकी दो तीन बड़ी वजूहात थी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग करनी चाहिए उस तरीके से अभी तक वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार कहीं पर फॉर्म जमा कर चुके हैं, कहीं पर उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं, वहीं पर कांग्रेस तमाम हालात वाकात पर गहरी नजर रख रहे हैं। ताहम इतलात और खबरों के मुताबिक नाउ कश्मीर सूबे के ऐसे नाम हैं जो ऑलमोस्ट फाइनल है और आज श्रीनगर स्क्रीनिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर के अंदर आज स्क्रीनिंग कमेटी का अहम तरीन इजलास होगा और उस स्क्रीनिंग कमेटी के इजलास के अंदर मजीद गुफ्तगुशनीद होगी और उसमें तकरीबन उन तमाम टॉप लीडरशिप को तलब किया गया है जिन्हें इंतखाबी दंगल में उतरना होगा। इतलात और खबरों के मुताबिक चेयरमैन जो कमेटी के हैं रंधावा साहब, सरदार एसएस रंधावा, वो यहां पर मौजूद रहेंगे श्रीनगर के अंदर। पीसीसी के तारिक हमीद कर्रा यहां पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ साथ सेंट्रल कमेटी के अरकान और दीगर मेम्बरान भी श्रीनगर के अंदर मौजूद रहेंगे, जो दिल्ली से थोड़ी देर के बाद रवाना होंगे और तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास वो श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी का एक और अहम तरीन इजलास होगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि कल शाम तक तमाम उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ मामला तबादले ख्याल में आ रहे हैं, मुख्तलिफ सीटों पर अभी भी तजब्जुब बरकरार है, लेकिन जो अफवाहें और खबरें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की भी सामने आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस के अंदर जबरदस्त मंथन और बहस तमीज जो है वो जारी है।